नमस्कार मनोरमा जी चैनल रे आपन समस्त को स्वागत। आज हमें नवम श्रेणी हिंदी बही रो चैप्टर टू रे थिबा प्रियतम विषय रो अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। वीडियो टी भल लागले लाइक टी निश्चय कर देबे। प्रथम करे हमर चैनल देखतले सब्सक्राइब करबा को जमा भूलिबे नाही। क्वेश्चन नंबर 1 इन प्रश्न के उत्तर तो तीन वाक्य में दीजिए। यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर दुई तीनोटी वाक्य रे दियो। क नंबर भगवान विष्णु किसे और क्यों अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। भगवान विष्णु कहा को और कहीं की निजर श्रेष्ठ भक्त मानी चंदी। भगवान विष्णु किसान को अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। किसान कर्म करते हुए तथा सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी भगवान का नाम भूलता नहीं। कर्म ही ईश्वर है। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेने से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ख नंबर नारद जी ने विष्णु से क्या सवाल किया और उसके उत्तर में विष्णु ने नारद जी को क्या करने को कहा। नारद विष्णु को कौन प्रश्न कले एवं तहार उत्तर रे विष्णु नारद को कौन करबा को कहिले। नारद जी ने विष्णु से यह सवाल किया कि संसार में कौन तुम्हारा प्रिय और प्रधान भक्त है। भगवान विष्णु ने कहा एक सज्जन किसान ही प्राणों से प्रियतमा है। और विष्णु ने नारद जी को एक तेल पूर्ण पात्र देकर कहा विश्व भ्रमण करे पात्र से एक बूंद तेल गिराना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़ी कर उत्तर गोटे गोटे वाक्य रे दियो। को नंबर नारद जी ने किससे सवाल किया। नारद कहा को प्रश्न कले। नारद जी ने भगवान विष्णु से सवाल किया। ख नंबर विष्णु ने नारद को क्या उत्तर दिया। विष्णु नारद को कौन उत्तर देले। विष्णु जी ने नारद को यह उत्तर दिया कि एक सज्जन किसान प्राणों से प्रियतमा है। गो नंबर नारद ने किसकी परीक्षा लेने की बात कही। नारद कहार परीक्षा ने पाई कहिले। नारद ने भगवान विष्णु जी के श्रेष्ठ भक्त किसान की परीक्षा लेने की बात कही। घ नंबर किसान ने कब कब भगवान का नाम स्मरण किया। कृषक क्यों क्यों समय रे भगवान का नाम स्मरण कला। किसान ने सुबह शाम और दोपहर में भगवान का नाम स्मरण किया। वो नंबर नारद जी किस बात से चकरा गए। नारद क्यों कथा रे चकित हेले। सिर्फ 3 बार नाम लेकर किसान भगवान का प्रिय बन गया। इस बात को लेकर नारद जी चकित हो गए। 4 नंबर तेलपूर्ण पात्र लेकर नारद जी कहाँ गए। तेलपूर्ण पात्र नहीं नारद क्यों ठाकू गले। तेलपूर्ण पात्र लेकर नारद जी भूमंडल भ्रमण करने गए। 6 नंबर विष्णु ने नारद जी को किस बात पर ध्यान देने को कहा। विष्णु नारदों को क्यों कथार दृष्टि देवा को कहिले। विष्णु ने नारद जी को तेलपूर्ण पात्र से एक बूंद तेल नहीं गिरने पर ध्यान देने को कहा। 7 नंबर नारद जी को अपने पास बुलाकर विष्णु ने क्या कहा। नारदों को निज पाख को डकाई विष्णु कौन कहिले। नारद जी को अपने पास बुलाकर विष्णु ने यह कहा कि तेल पात्र लेकर कि जाते समय कितनी बार इष्ट का नाम लिया था। 6 नंबर विश्व पर्यटन के दौरान नारद जी ने कितनी बार विष्णु का नाम लिया था। विश्व भ्रमण समय रे नारद केते थर विष्णु को नाम नहीं थिले। विश्व पर्यटन के दौरान नारद जी ने एक बार भी विष्णु का नाम नहीं लिया था। 9 नंबर संकित हृदय से नारद ने विष्णु से क्या कहा। शंकाकुल हृदय रे नारद विष्णु को कौन कहिले। संकित हृदय से नारद ने विष्णु से यह कहा कि वह कभी भगवान का नाम जप नहीं किया था। 10 नंबर विष्णु ने किसान को क्यों प्रियतम कहा। विष्णु कृषकों को कहीं की प्रियतम कहिले। विष्णु ने किसान को इसलिए प्रियतम कहा कि उसने अपना काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया। 10 नंबर नारद जी ने विष्णु की बात से लज्जित होकर क्या कहा। नारद विष्णु को कथारे लज्जित हो कौन कहिले। नारद जी ने विष्णु की बात से लज्जित होकर सत्य कहा।
क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर चुनिए। ठीक उत्तर बाछो। क नंबर, किशन ने एक दिन में कितनी बार भगवान का नाम स्मरण किया? इसका उत्तर है 3 बार। ख नंबर, विश्व पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? विष्णु लोक लौटे। ग नंबर, योगीराज कौन है? योगीराज नारद हैं। भाषा ज्ञान रो किसी प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे शब्द के समानार्थ शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़ी करो प्रति शब्द लेखो। प्रथम कौन अच्छी ना? मृत्युलोक। कौन है वो? मर्त्यलोक। दिबा? दिवस। रात्रि? रजनी। प्रातः? सुबह। वैकुंठ? स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे शब्द के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लेख। कौन अच्छी? प्रधान? अप्रधान। रात्रि? दिवा। प्रातःकाल? सायंकाल। आवश्यक? अनावश्यक। साधारण? असाधारण। उल्लास? विषाद। क्वेश्चन नंबर 3, कौगुड़ी को पुलिंग और कौगुड़ी को स्त्रीलिंग आमे चिन्हट करिबा। भक्त? पुलिंग। किसान? पुलिंग। दरवाजा? पुलिंग। विवाद? पुलिंग। आज्ञा? स्त्रीलिंग। स्मरण? पुलिंग। परीक्षा? स्त्रीलिंग। नाम? पुलिंग। बूंद? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, नारद ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूँगा। इस वाक्य में लूँगा क्रिया है जिससे भविष्य काल की सूचना मिलती है। निम्न वाक्य का काल निर्णय कीजिए। क नंबर, किसान शाम को घर लौटा। इस वाक्य में लौटा क्रिया है जिससे भूतकाल की सूचना मिलता है। ख नंबर, कुत्ता भौंक रहा है। इस वाक्य में रहा क्रिया है जिसमें वर्तमान काल की सूचना मिलती है। ग नंबर, मेरे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में जाएंगी क्रिया है जिससे भविष्यत काल की सूचना मिलती है। घ नंबर, यहाँ का दृश्य दर्शक को आकृष्ट करता है। इस वाक्य में कर्ता क्रिया है जिससे वर्तमान काल की सूचना मिलती है। वो नंबर, बुखार के कारण कल में स्कूल नहीं आ पाया। इस वाक्य में पाया क्रिया है जिससे अतीत काल की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन्हें क्या कहते हैं लिखिए। क नंबर, जो खेती का काम करता है वह है? किसान। ख नंबर, जो कपड़ा बुनने का काम करता है वह है? बुनाकार वा हंसी। ग नंबर, जो रोगियों का इलाज करता है वह है? चिकित्सक वा डॉक्टर। घ नंबर, जो हमारे पास चिट्ठियाँ पहुँचाता है वह है? डकिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।